मैकलॉडगंज धौलाधार पहाड़ियों के बीच हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला शहर का एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ पर चाइना के तिब्बत पर कब्जा करने के बाद आए काफी सारे माइग्रेटेड तिब्बतन भी रहते हैं, जिस वजह से इसे कभी छोटा लासा यानी कि लिटिल लासा या धर्मशाला और लासा मिलाकर धासा भी पुकारा जाता है। ये जगह वर्ल्ड फेमस तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर 14 दलाई लामा का घर भी है। मैकलॉडगंज इजीली एक्सेसिबल है और आप बाय बस, एयर और बाय कार भी यहाँ पर आ सकते हैं। सबसे पास में कांगड़ा एयरपोर्ट पड़ता है और ये मैकलॉडगंज से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। गुड़गांव से इसकी दूरी 524 किलोमीटर है, लेकिन रोड्स अच्छे होने की वजह से आप 8 से 10 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं। हम लोग सुबह 7 बजे यहाँ पहुँच गए थे, लेकिन हमारा रूम 11 बजे से पहले फ्री नहीं होना था। हम लोगों ने क्रे पैनकेक्स में ब्रेकफास्ट किया। ये जगह पैनकेक्स के लिए काफ़ी फेमस है और हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट काफ़ी इन्जॉय किया। तो ये हमारा होटल का रूम है। ये सेमी डीलक्स कैटेगरी है। इसका हमने पे करा है 3000 रुपीज़ पर नाइट। ये हमारा सेकंड डे पे ये वाला रूम है। फर्स्ट डे पे हमें जो मिला था वो था स्टैंडर्ड रूम। स्टैंडर्ड रूम और इस रूम में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस ये थोड़ा जो बाथरूम है ये थोड़ा सा बड़ा है और रूम थोड़ा सा बड़ा है। इसमें हमें उस वाले में भी हमें टॉयलेटरीज मिली थी, लाइक डेंटल किट, टॉवल एक्सेट्रा। उसका हमें 2500 पे करा था और इसका तो हमें 3000 पे करा है। यहाँ पे आपको इसे पानी भर के दिया जाता है, यहाँ पे आपको मिनरल वाटर की बॉटल्स नहीं मिलती हैं, तो आपको जाके किचन से जाके अपना पानी भरना पड़ता है। व्यू यहाँ से कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक ऐसे डंप यार्ड बना हुआ है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे होटल्स बन रहे हैं तो उसका डंप यार्ड है। ऊपर शायद थोड़ा बहुत धौलाधार रेंजेस दिख रही हैं, बट मुझे नहीं लगता कुछ दिखेंगे बिकॉज काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी है, तो यहाँ से सच कोई व्यू तो दिखेगा नहीं। बाकी ये सारे देवदार के पेड़ हैं जो इस रूम से दिखेंगे। यहाँ पे रूम की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए हमने एक दिन स्टैंडर्ड और एक दिन हमें ये वाला रूम सेमी डीलक्स रूम बुक करना पड़ा। सो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा टायरिंग है। हम लोग ने अभी थोड़ी देर सो लिए थे और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। यहाँ पे ईटरी के बहुत सारे ऑप्शंस हैं और अगर रास्ते में अगर हमें कुछ और अच्छा देखने को मिलेगा तो हम वो भी देखते हुए जाएंगे। बाकी जो सारी साइट सीइंग है मैकलॉडगंज की वो हम लोग देखेंगे कल। काफ़ी देर वेट करने के बाद हम लोग तिब्बत किचन के अंदर आ गए हैं फाइनली। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, यहाँ पे वेटिंग करीब 45 मिनट्स की थी, तो हमें 15-20 मिनट में थैंकफुली सीट मिल गई। आज लॉन्ग वीकेंड है गुड फ्राइडे वाला, तो इस चक्कर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम लोगों ने ऑर्डर करा है अभी टू स्टार्ट विद चिकन ड्रमस्टिक्स और हम लोगों ने थेंचुक भी ऑर्डर करा है, फ्राई थेंचुक। सो वो भी थोड़ी देर में आ रहा है, तो जब तक वो नहीं आता है हम लोग ये ट्राई करते हैं और अगर हमें और भूख लगेगी तो हम और कुछ भी ऑर्डर करेंगे।
सो बेसिकली इस जगह का नाम है तिब्बत किचन और ये फेमस ही है अपने तिब्बत फूड के लिए, बट यहाँ पर और भी सारे क्विजीन्स आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, बट बिकॉज ये तिब्बतन फूड के लिए फेमस है तो तिब्बत फूड ट्राई करना यहाँ पर डेफिनेटली बनता है। तो ये हमारी सेकंड डिश फ्राई थेंटुक, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इससे पहले हम लोगों ने चिकन ड्रमस्टिक्स खाए थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, और ये खा के देखती हूँ कैसा लग रहा है। बहुत ही सही लग रहा है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। यूजली तिब्बतन फूड थोड़ा सा ब्लैंड होता है, बट ये वैसा नहीं है। अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं और आपको थोड़ा सा ये चटपटा खाना पसंद है तो ये बिल्कुल वैसा ही है। अभी इसको फिनिश करेंगे, उसके बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे और देखेंगे फिर आज हम लोग यहाँ पे और क्या कर सकते हैं। ये वाले स्टॉल है 300 के और ये जो बड़े वाले हैं ये है 350 के। सेल्स वूल के हैं बट ऑब्वियसली 100% याक वूल नहीं है, तो हम लोग अभी जैकेट्स भूल गए तो मैंने अभी एक स्टॉल लिया है। हम जा रहे हैं छोटी सी एक बेकरी है यहाँ पे, बोसर बेकरी, अभी हम वो देखने जा रहे हैं, शायद कुछ स्वीट डिश खाएंगे और फिर वापस अपने होटल जाएंगे, क्योंकि आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं। मैक्लोडगंज इज़ हेवन फॉर फूड लवर्स, यहाँ पे आपको इतने अच्छे खाने के ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये जो बेकरी है इसमें हम 6 साल पहले आए थे और हमने यहाँ पर बीटन कॉफ़ी ट्राई करी थी, इट वाज सो यमी। उसके बाद से उतनी अच्छी कॉफ़ी हमें कभी नहीं मिली। सो अभी हमने कॉफ़ी ऑर्डर करी है और केक ऑर्डर करा है, केक देखते हैं कैसा है, आई एम श्योर अच्छा ही होगा, ये हाईली रेटेड है ट्रिप एडवाइज़र पर। वेरी वेरी नाइस। वेरी वेरी नाइस। इसमें थोड़ा सिनेमन डला है, पर वो कितनी क्रीमी है कॉफ़ी, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कौन से हैं आपके पास? और भी है, इसे बोलते हैं व्हील ऑफ लाइफ। ओके, इज द गॉड ऑफ डेथ यमन ताका, जिसे हम यमराज भी बोलते हैं। ओके, बाकी ये इनसाइड सर्कल, लाइफ सर्कल कैसे चलता है, कैसे हम ये, दिस इज द राम ऑफ गॉड्स, दिस इज राम ऑफ असुर, दिस इज राम ऑफ द हंग्री गॉड्स, दिस इज हेल, दी हेयर एनिमल्स हेयर, व्हेन वी कम ह्यूमन, दिस इज द ऑल ह्यूमन सर्कल। गॉट इट। इसे बोलते हैं मंत्र मंडाला। ओके, दिस इज बुद्धा आइज एंड दिस इज लोटस। ओके, दिस इज आल्सो मंत्र मंडाला। बाकी आप ऑनलाइन भी इसके बारे में पढ़ेंगे, काला चक्र के बारे तो पूरा डिटेल आ जाता है, मोर नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको मोर, आप तिब्बतन हैं या फिर आप हिमाचली हैं? बस अब काम करते करते थोड़ा बहुत नॉलेज है, बाकी इतना भी नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में। ओके, बट ये कोई भी लगा सकता है वैसे? इसमें हम जैसे हमारे में होता है ना कि हम ट्यूसडे को ये नहीं कर सकते, वेडनेसडे को ये नहीं कर सकते, बुद्धिस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, आप कुछ भी कर सकते। ओके, जैसे ये है बट इसको आपने लगाना ऐसे है, ब्लैक साइड जो होगा इसका ये नीचे की तरफ में आएगा। ओके, ये है मास्टर आर्ट। ओके, लाइक दिस वन। ओके, दिस इज आल्सो काल चक्र पेंटिंग, काल चक्र मंडाला। ओके, ये तो थोड़ा ज्यादा मुझे लग रहा है किसी विद मोर डिटेल। ओह ओके, तो ये किसी ज्यादा एक्सपर्ट ने बनाई होगी, ये स्टूडेंट आर्टिस्ट है। ओके, जिसने ये वाला पेंटिंग जो है ये स्टूडेंट आर्टिस्ट है, ये जो है ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। ओके, दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। ये भी हाँ, तो ऑब्वियसली मतलब ये ज़्यादा फाइन है, ये फाइन में है और ये थोड़ा सा वो है, ये स्टूडेंट आर्टिस्ट ने बनाया हुआ है। ओके, मास्टर आर्टिस्ट ने बनाया हुआ। ये जो मॉन्क्स होते हैं, अगर कोई पेंटिंग मॉन्क बना रहा है तो पहले वो मेडिटेशन करते हैं। ओके, वो उस पेंटिंग को या कोई भी चीज़ वो ड्रॉ करने वाले हैं उसको इमेजिन करते हैं। ओके, उसके बाद वो उसे लिखते हैं। ओके, बट
वो ऐसे ही नहीं बना सकते। हाँ। अगर उसमें छोटा सा मिस्टेक हो गया तो वो पूरा धंका खराब हो गया। ओके, तो पहले उनको पूरा सोच के वो फिर बनाना शुरू करते हैं, पूरा मेडिटेट करना पड़ता है, अपना माइंड पूरा रिलैक्स करना पड़ता है, उसके बाद फिर बनाते हैं। तो ये बेसिकली लामाज ही बनाते होंगे ना मेजरली? ये देखिए नाम लिखा हुआ है इनके ऊपर, बिरमन लामा। और आज के टाइम में उन्होंने अपना नाम लिखना बहुत कम कर दिया, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको ढूंढते हुए चले जाते हैं। अच्छा, तो उनको परेशान करते होंगे, परेशान करते हैं, तो वो नहीं चाहते कि कोई उनको परेशान करे। और ये वाली कितने की होगी? थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, 3500। ओके, बट ऐसे कोई भी लगा सकता है अपने घर में या फिर? कोई भी, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी लगा सकता है। और ये जो आप जब घर में लगाएंगे तो ये ऐसे लगेगा, जो ये ब्लैक साइड होगा ये नीचे आएगा। अच्छा, समझ गए। और वो वाला ऊपर होएगा और येलो वाला पार्ट ऊपर, येलो वाला पार्ट ऊपर होगा, ब्लैक साइड वाला नीचे होगा। समझ गए। इसे बोलते हैं कि जब भी, जैसे ये ब्लैक साइड है, यहाँ से कोई भी आएगा, कोई भी मतलब कोई पर्सन भी आपके घर के अंदर एंटर कर रहा है, वो जैसी भी एनर्जी के साथ आ रहा है, बैड एनर्जी, गुड एनर्जी, तो वो जैसी एनर्जी के साथ आएगा वो वैसे ही चले जाएगा, कुछ भी रहेगा नहीं, रहेगा नहीं। हमने पीछे देखी थी वहाँ पे 2500 और 3000 की बोल रहे थे, और जो वहाँ पे 1500 की थी वो यहाँ पे कांची वाली, ये वाली ना, वो यहाँ पर है 700 की, जिसके हमने भी एक्स्ट्रा पैसे दे दिए हैं अभी, बट यहाँ बहुत अच्छी लग रही है। तो ये एक होलसेल शॉप है, तो कभी भी कौन क्या बोलते हैं इसको, थांगा पेंटिंग बोलते हैं ना, थांगा पेंटिंग और मंडाला, मंडाला। हाँ, तो कभी लेनी हो तो इधर ही आना चाहिए। तो भी हम देख रहे हैं कि हमें कुछ और पसंद आता है, एटलीस्ट एक पेंटिंग और ले जाएंगे। सो ये जो पेंटिंग है जो भैया हैं उन्होंने बनाई है, और ये सारे के सारे जो कलर्स हैं ना, इसमें फ्लावर्स से कलर्स निकाले हुए हैं, जो फूल होते हैं उससे कलर्स निकाल के पूरी पेंटिंग सेल के लिए है। और वो खुद ही फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो ये सारी की सारी पेंटिंग या तो उन्होंने बनाई है या उनके फादर ने बनाई है, बट इतना इतनी यू नो ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं। और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 300-400 रुपये से स्टार्टिंग है अगर आप मंडाला देखते हैं या जो बुद्धिस्ट मंत्र वाला देखते हैं। और जैसे जैसे उसकी जितना फाइन होगा पेंट, उतनी ज़्यादा फिर वो एक्सपेंसिव है पेंटिंग। बट ये होलसेल है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा चीप मिलेगा, जैसे जैसे आप आगे मेन मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ी एक्सपेंसिव होंगी ये पेंटिंग्स।